प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल 19 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। यानी कि इस सवाल में एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हमको ये प्रूफ करना है, नहीं प्रूफ नहीं करना है, पूछा जा रहा है कि क्या इज पहले लगा हुआ है, तो क्या ये जो फंक्शन है पाई पे कंटिन्यूअस है, ये हमको चेक करना है। यानी कि एट कितना पे चेक करना है, एक्स बराबर पाई पे, पाई पे चेक करना है। सबसे पहले कि कंटिन्यूअस होने का रूल क्या क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होने का जो रूल होता है वो VF, LHL और RHL तीनों अगर इक्वल होगा तभी ना वो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए हम लोग यहां पे पहले VF निकालते हैं। तो VF इज इक्वल टू AF ऑफ, एक पाई पे चेक करना है तो X के जगह पे हम लोग पाई रखेंगे, और जहां जहां X है वहां सब जगह पाई रख देंगे। तो X स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन एक्स है तो यहां हो जाएगा साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही रहेगा, और आप पता होगा 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, वहां पे पढ़े होंगे कि साइन 180 डिग्री का मान, 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसका मतलब हम 180 को पाई भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई का वैल्यू कितना हुआ, 0। तो इसलिए हम इसका वैल्यू ये लिख सकते हैं, पाई का पाई स्क्वायर हो गया माइनस साइन पाई का वैल्यू कितना, तो 0 प्लस 5। यानी कि ये जो वीएफ हम लोग निकाल रहे थे, इस वीएफ का जो वैल्यू आया वो कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये वीएफ निकल गया। हम लोग तो डिसाइड तभी ना करेंगे जब वीएफ निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे और आरएचएल निकालेंगे, तीनों निकालेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं वीएफ के बाद एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल कैसे निकलता है, लिमिट एक्स टेंस टू, जिस पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, पाई पे, तो यहां हो जाएगा पाई माइनस फिर एफ एक्स। आगे बढ़ेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखते हैं, इस बार एक्स टेंस टू पाई माइनस के बाद हम लोग एच टेंस टू जीरो लिखते हैं, और एफ उसके बाद पाई माइनस एच लिखते हैं। यानी कि एलएचएल है इसलिए माइनस लिखें। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई माइनस एच रखेंगे, तो यहां होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच, यानी कि पाई माइनस एच का होल स्क्वायर यहां पे, फिर माइनस साइन, यहां एक्स है तो एक्स के जगह पे पाई माइनस एच प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जहां जहां एच होगा वहां पे जीरो पुट करेंगे, तो पाई माइनस जीरो कितना होगा, तो पाई और पाई का स्क्वायर माइनस, यहां पे एच के जगह जीरो रखेंगे तो पाई में से जीरो गया पाई और साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5। यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग दो चीज निकाल लिए, वीएफ निकाल लिए, एलएचएल निकाल लिए, अब हम लोग निकालते हैं आरएचएल। तो आरएचएल कैसे निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू, यहां पाई माइनस है तो यहां हो जाएगा पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ यहां माइनस के बजाय यहां जो चलेगा वो प्लस चलेगा, पाई प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, पाई प्लस एच, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो यहां आप रखिए पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस यहां एक्स तो यहां हो जाएगा साइन पाई प्लस एच, और यहां प्लस 5 तो यहां भी कर देंगे प्लस 5।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां h है वहां पे जीरो रखेंगे, तो h के जगह पे जीरो रखेंगे तो पाई में जीरो जोड़ेंगे पाई, और फिर उसका स्क्वायर करना है तो यहां हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस इस एच के जगह पे अगर जीरो को पुट करेंगे तो साइन पाई होगा, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो यहां हो जाएगा जीरो, और फिर प्लस फाइव है तो प्लस फाइव लिख देंगे, यानी कि टोटल मिलाकर पाई स्क्वायर प्लस फाइव हुआ। तो अब आपको खुद दिख रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वीएफ का वैल्यू, एलएचएल का वैल्यू और आरएचएल का वैल्यू तीनों क्या हुआ सेम हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है कंटिन्यूअस है। सवाल में बोल रहा था कि क्या यह फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ था ये एक्स बराबर पाई पे कंटिन्यूअस है, तो यहां लिखेंगे हियर उसके नीचे वी एफ यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या आ गया, इसलिए बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस है कितना पर, तो x बराबर पाई पे कंटिन्यूअस है, तो दैट इज डन, यानी कि ये हम लोग का सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सवाल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 21 का तीन क्वेश्चन है, ए नंबर ए, बी और सी। अब तीनों बोल रहा है कि हमको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करो कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, राइट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसमें तीन सवाल है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, यानी कि सबको बारे में हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हालांकि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें ये नहीं बोल रखा है कि कितना पे चेक करना है, यानी कि कुछ तो होगा ना, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी होगा, इसमें कुछ नहीं बोला कि किस पे चेक करना है, राइट। यानी कि पहला सवाल में क्या है, तो पहला सवाल आपका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब तीनों के बारे में हमको चेक करना है, लेकिन इसके पहले आपको हम एक नोट में कुछ तरीका बताते हैं, नोट में कुछ तरीका। पहला बात कि अगर कंटिन्यूअस होगा, जैसे मान लिया कि एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, अगर एक कंटिन्यूअस और दूसरे कंटिन्यूअस को ऐड करेंगे तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस के साथ अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो देगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक डिसकंटिन्यूअस हो जाए, यानी कि एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों कंटिन्यूअस रहेगा तो दोनों का कंटिन्यूअस का ऐड जो करेंगे वो कंटिन्यूअस मिलेगा। अच्छा, कंटिन्यूअस का अगर बस और कंटिन्यूअस का डिफरेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ अगर डिविजिबल करेंगे तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मेरा मतलब ये हुआ कि अगर ए दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस होगा तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। यानी कि हमको सवाल में ये बोल रहा है कि आप तीनों को चेक करो कि कंटिन्यूअस है पूरा ना, पहला सवाल बोल रहा है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को बताओ कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले आपको हम एक आइडिया देने वाले हैं, आप क्या कीजिए कि एक फंक्शन इसको मान लीजिए और दूसरा फंक्शन इसको मान लीजिए। अब इसको भी आप क्या कीजिए कि कंटिन्यूअस चेक कर लीजिए कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि लेट एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को मान लीजिए साइन एक्स, और इसको चेक कर लीजिए एक्स बराबर सी पे, राइट।
वैसे ही आपको क्या करना है, लेट एफ टू फंक्शन है कौन सा, कॉस एक्स, एक एफ टू फंक्शन कॉस एक्स है। अब इसको भी चेक कर लीजिए एक्स बराबर सी पे चाहे टी पे चाहे पी पे चेक कर लीजिए, यानी कि इसको अलग से चेक कीजिए साइन एक्स को कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस हो गया, अगर ये भी कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का एड क्या होता है, प्रूव हो जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, राइट। और यानी कि सब में सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स तो सब में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो आप अलग अलग साइन एक्स और कॉस एक्स को चेक कर लीजिए, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आप साइन एक्स को सी पे चेक कीजिएगा तो पहला वी एफ निकालिएगा, तो वी एफ का मतलब एफ एफ वन सी, एफ वन सी फंक्शन हम अपने से माने हैं कि एफ वन और एफ टू, तो यहां पे एफ वन माने हैं तो एफ वन सी, तो यहां हो जाएगा साइन सी, राइट। अच्छा, अब आप एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल कैसे, तो लिमिट ए सॉरी एक्स टेंड्स टू सी माइनस, और यहां हो जाएगा एफ वन एक्स, चूंकि एफ वन एक्स है तो अब यहां लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां हो जाएगा क्या एफ वन सी माइनस एच। अब जहां जहां एक्स है वहां सी माइनस एच रखेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां हो जाएगा साइन, यहां क्या सी माइनस एच। अब एच के जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, साइन सी होगा। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको आरएचएल निकालना है, जैसे हम एलएचएल निकाले हैं वैसे ही आरएचएल भी आपको निकालना है। तो आप पाएंगे कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जैसे अरे चलो अभी निकाले नहीं है, निकाल लीजिएगा, बस अब इसी में चेंज कर लीजिएगा, आप यहां पे प्लस कर दीजिएगा, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, और एच की जगह पे जीरो रखिएगा तो साइन सी आएगा। वैसे ही आप कोसेक्स को भी चेक कर लेना है पी पे, यानी कि इसमें भी वी एफ निकालिएगा, एल एच एल निकालिएगा, आर एच एल निकालिएगा, अगर तीनों यहां पे भी अगर इक्वल आएगा मैंने कोस पी कोस पी कोस पी आएगा तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि कोसेक्स भी क्या हो जाएगा, कोसेक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि हम आपको यहां पे निकाले नहीं है लेकिन आपको निकालना है, यानी कि एक अलग फंक्शन साइन एक्स का चेक करना है कि कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, हो जाएगा कंटिन्यूअस, हो जाता है और होता भी है, आप चेक करेंगे, यानी कि आर एच एल निकालेंगे तो वो भी साइन सी ही आएगा, और यहां पे जो कोसेक्स है वो भी मेरा कंटिन्यूअस ही होता है, तो यहां पे आप आर एच एल निकालेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, जब हमको साइन एक्स भी कंटिन्यूअस मिल गया और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस मिल गया, तो अब हम लोग आगे काम क्या कैसे करेंगे, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा कि पहला क्वेश्चन, सिंस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का एड क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसलिए आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि ये जो तरीका है वो बहुत इजिली बन जाता है, नहीं तो फिर सबको आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा, वैसे भी सही हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन सी कॉस सी सब में आ जाएगा, तो सबको बारी बारी चेक करने क्या के वजह, यानी जो बारी बारी चेक करेंगे ना वो ज्यादा लॉन्ग पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप साइन एक्स का अलग चेक कर लीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, कॉस एक्स का अलग कर लीजिए, और फिर जानते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का एड कंटिन्यूअस, डिफरेंस कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस, डिवाइडेड होता है कंटिन्यूअस, इसलिए ये तीनों कंटिन्यूअस हो जाएगा और फिर आंसर हो जाएगा। हमको चेक करना था कि ये तीनों कंटिन्यूअस है कि नहीं, अब ये भी नहीं बताया था हमें कि किस पे चेक करना है, तो अपने से मान लेना है कि सी पर डी पर पी पर कुछ भी, यानी कि ये आपको कंटिन्यूअस मिल गया, ये कंटिन्यूअस, तो इस नोट्स में जो बताया है उसको करना है, यानी कि आपको पूरी तरीके से बनाना है, हम इसका वी एफ एल एच एल आर एच एल नहीं निकाले हैं, आपको निकालना है तब आपको पता चलेगा कि कोसेक्स कंटिन्यूअस है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। देखिए अब सवाल में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, कोसाइन लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि कोसाइन ये फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो कॉस होता है, कॉस को ही हम लोग कोसाइन बोलते हैं, राइट। और फिर बोल रहा है कोसेकेंट, कोसेकेंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक। हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री में 6 पार्ट्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो कहने का मेरा मतलब कि ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे फुल नेम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, कि कोसाइन का मतलब क्या समझना है, कॉस, कोसेकेंट का मतलब क्या समझना है, कॉसेक। फिर लिखा है सेकेंड, तो सेकेंड का मतलब क्या समझना है, सेक। फिर क्या लिखा है, कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट का मतलब क्या हुआ, कॉट। यानी कि हमें चार फंक्शन दिया हुआ है, कोस है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। अब ये चारों के बारे में हमसे सवाल पूछ रहा है कि चारों कौन कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, यही सवाल हमसे पूछ रहा है। यानी कि एक सवाल नंबर जो 22 नंबर है उसमें आपको चार क्वेश्चन दे दिया है, कौन कौन सा, कोस को चेक करो, कोसेक को चेक करो, सेक को और कॉट को। तो इसके लिए हम आइडिया बताते हैं, जैसे इसमें तो चार सवाल है तो आप सब में मानना पड़ेगा, लेट वाई बराबर, सॉरी एफ एक्स बराबर, आप मान लीजिए कॉसेक्स, एफ एक्स बराबर क्या मानना है, कॉसेक्स। कब, जब हम कॉस को चेक करेंगे तब। वैसे ही आपको कॉसेक को भी चेक करना है, सेक को भी और कॉट को भी। मेरा मतलब कि अगर हम पहले सवाल को बता देते हैं कि कैसे करेंगे, अक्सर ये जो सवाल है ना सबको बारी बारी से चेक करना, सब में वी एफ एल एच एल आर एच एल निकालना, दैट इज वेरी टफ। इसलिए ये जो सवाल बनता है ये ग्राफ से बनता है, और ग्राफ आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर आपको 38-39 में मिलेगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 में निकालना है, और फिर आपको इसमें मिलेगा क्या, दिखाते हैं, पेज नंबर 38 में आप देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा होगा तो यहां पे ये कोसेक्स का ग्राफ दिख रहा है, दिख रहा है यहां पे कोसेक्स का ग्राफ, और इधर कोस इनवर्स का ग्राफ। तो हमको कोस एक्स का, ये जो कोसेक्स का ग्राफ है उसी को बना देना है, ये जो वाई बराबर कोसेक्स यहां ग्राफ दिख रहा है, यहां पे जो ग्राफ दिख रहा है ना वाई बराबर कोसेक्स, अब ये जो y बराबर कॉसेक्स ग्राफ है इसी को हम लोग यहां पे बनाएंगे। और कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि फ्रॉम ग्राफ, इसको सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। आपको क्या करना है, कॉसेक्स का ग्राफ बना लेना है, मतलब ग्राफ क्लियर बनाएंगे, यहां पे आपको y है, y डैश है, और यहां पे x डैश है, यहां x है, और फिर यहां पे 0 0 है, और फिर ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, यहां पे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और सबका वैल्यू है, जैसे यहां पे पाई बाई टू है, यहां पे पाई है, यहां पे ऐसे लिख देना है, और यहां पे भी पाई बाई टू है, यहां पाई है, माइनस में है इधर, तो ये लिख देना है, मतलब पूरी तरीके से ग्राफ को डिनोट्स कर देना है। और फिर थोड़ा सा देखना है आपको कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है ग्राफ, तो आपको देख के ग्राफ पहचानना है। कंटिन्यूअस कब होगा, जब कोई लाइन कभी टूटे नहीं, हमेशा चलते रहे, एक कहलाता है कंटिन्यूअस। लेकिन कोई ग्राफ जैसे एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि कोसेक्स का ग्राफ बना दीजिए, पेज नंबर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पेज नंबर 36-37 में मिल जाएगा, सबका ग्राफ मिलेगा। और हम तो आपसे ये सजेस्ट करेंगे कि सब ग्राफ को आप याद कर लीजिए तो बहुत आपको फायदा करेगा। हम लोग 11th में भी सबका ग्राफ डिनोट्स करना सीखे हैं,
और आपको याद होना चाहिए कि cos x का कैसा ग्राफ बनता है, sin x का कैसा ग्राफ बनता है, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है आपको याद रहना चाहिए, राइट। यानी कि सबको क्या करना है, आपको जैसे cos x यहाँ f x बराबर cos x लिखे चेक करने के लिए, तो cos x जो है ग्राफ ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टूटा हुआ है, अगर हम x एक्सिस को और बढ़ाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ और आगे तक चलते जाएगा, वैसे ही यहां पे x एक्सिस है तो और ग्राफ आगे तक ऐसे चलते जाएगा, यानी कि ये कभी भी लाइन टूटने वाला है नहीं। इसलिए हम यहां पे लिख देंगे कि इसलिए cos x जो है इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। वैसे ही आपको अब क्या चेक करना है, cos x को चेक करना है, cos x को। अगर आपको ग्राफ याद है ना तो उतना लफड़ा करने का जरूरत ही नहीं है, भी एफ एल एच एल आर एच एल हर सवाल में नहीं निकाला जाता है, आपको आसान जो रास्ता है उसको अपनाइए। मैथमेटिक्स यही कहता है, मैथ्स का बहुत तरीके हैं लेकिन आपको उसी से चलना है जो आपको शॉर्ट रहे, जल्दी सॉल्व हो जाए, आसान लगे। तो अब हम लोग cos x को कैसे चेक करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, fx बराबर यहां लिखेंगे cos x, अब इसको भी फ्रॉम ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ कहां मिलेगा तो पेज नंबर 36 एनसीईआरटी के मिलेगा फर्स्ट बुक में। तो यहां पे हम लोग cos x का ग्राफ दिखाते हैं, तो अगर शायद वीडियो मैंने दिख रहा होगा, हम अच्छा से दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है आपका cos x का ग्राफ, ये इनवर्स वाला है, तो इनवर्स नहीं हम बोल रहे हैं, सिर्फ cos x। तो यहां पे देख रहे हैं cos x का ग्राफ, ये हरा वाला जो लाइन है ये इधर से उधर गया, फिर यहां से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद यहां से यहां आया, फिर यहां से आया, तो ये कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस ना मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो हरा लाइन है यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर से ये आया, फिर तो ये एक लाइन में नहीं है, ये टूट जा रहा है लाइन, यानी कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पे लिख देंगे cos x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि आपको ग्राफ से देखकर अगर कोई लाइन लगातार चलते जा रहा है कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक हो जा रहा है डिसकंटिन्यूअस, वैसे ही चारों को आपको चेक करना है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ मिल जाएंगे पेज नंबर 36, 37, 38, 39 में देख लीजिएगा, सबका ग्राफ है, छह का ग्राफ बनाया हुआ है, वहां तो इनवर्स का भी ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन इनवर्स इज उतना बोल सकते हैं इंपोर्टेंट नहीं है जितना ट्रिगो वाला है। तो ये क्वेश्चन था जिसको हम लोग ग्राफ से बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि 23 कैसे बनेगा। इस तरह से चारों सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हम चारों बताए नहीं है, आप चारों ग्राफ को देख लीजिएगा और ग्राफ को बिल्कुल फ्रेश बनाइएगा जैसे ग्राफ बनाया हुआ है। पेज नंबर हम लोग चलते हैं, सॉरी पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोल रहा है कि fx का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है fx का वैल्यू कितना, तो दो तरह का फंक्शन दिया हुआ है, sin x बटा x, ये कब लेना है जब x का वैल्यू जीरो से छोटा रहेगा, ये कब लेना है जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा रहेगा। चलिए ये सवाल है और हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे, क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे कि कोई भी अगर फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा, यानी कि बड़ा और छोटा दिया रहेगा, तो आपको देखकर पहचानना है कि हमको तो ये सवाल नहीं बोला है कि किस पे चेक कर रहा है, तो किस पे चेक करना है, जब सवाल में नहीं दिया रहे तो उसको इंटरवल देखते हैं कि वह डिजिट, वह नंबर जिसके दोनों ओर अगर लगा रहे एक बड़ा और छोटा का निशान, तब हम लोग समझेंगे कि जीरो पे ही चेक करना है। तो ये फाइनल हुआ कि यहां पे जो चेक होगा वो कितना पे चेक होगा, एट एक्स बराबर जीरो पे, यानी कि यहां पे जीरो पे चेक होने वाला है। तो जीरो पे चेक होने वाला है तो सबसे पहले वी एफ निकालिए, क्योंकि कंटिन्यूअस का तो यहां पर वही रूल लगेगा, वी एफ एल एच एल और आर एच एल। तो यहां वी एफ निकालेंगे, एफ एक्स है तो यहां हो जाएगा एफ जीरो, और आप बताइए जीरो किसने आ रहा है, ऊपर वाला में बराबर जीरो का लगा हुआ है कि नीचे वाला में, तो जीरो का बराबर नीचे वाला में लगा हुआ है, तो एक्स की जगह पे जीरो प्लस वन आ गया वन। उसके बाद आप एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना पे, तो जीरो पे, तो यहां हो जाएगा जीरो माइनस
एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो पे चेक करें तो जीरो माइनस एच। अब आप बताइए कि जीरो माइनस यानी कि जीरो से छोटा कौन है, तो जीरो से छोटा तो ऊपर वाला में है और ये तो जीरो से बड़ा है ना, क्योंकि मुंह इधर खुला हुआ है तो ये जीरो से बड़ा है, इधर मुंह बंद है तो जीरो से ये छोटा है। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो इसको यूज करेंगे, तो यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या साइन जीरो माइनस एच और बटा जीरो माइनस एच। अब यहां पे आपको रुकना है, अब हम लोग यहां पे लिमिट का कुछ, जैसे इलेवेंथ में हम लोग लिमिट सीखे थे तो लिमिट का कुछ रूल लगने वाला है। लिमिट का रूल क्या बोलता है कि अगर लिमिट रहे और यहां कुछ टेंस टू जीरो रहे, एक्स टेंस टू जीरो रहे और यहां साइन पी बटा अगर पी रहे, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अगर सेम सेम रहे और लिमिट लगा रहे तो उसका वैल्यू वन होता है। यानी कि ये जो रूल जहां पे लिमिट का रूल लग सकता है वहां पे लगाना होता है। आंख बंद करके अगर एच जीरो है तो यहां जीरो पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो नीचे तो जीरो हो जाएगा, और जब नीचे जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए यहां पे लिमिट का रूल बोलता है कि साइन रहे और ऊपर नीचे पी पी रहे, यानी सेम सेम रहे। तो देख लीजिए जीरो माइनस एच और जीरो माइनस एच सेम सेम है, इसलिए वैल्यू इसका कितना वन। ये बात ध्यान रखना होगा, ये बात आपको याद रखना होगा कि रूल होता है यहां लिमिट का। चलिए अब हम लोग आरएचएल देखते हैं, तो आरएचएल कैसे, तो आरएचएल में जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे चेक कर रहे ना, तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा एफ जीरो माइनस, तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एच। और आप बताइए जीरो से बड़ा कौन किस में आएगा, जीरो से बड़ा ऊपर में कि नीचे में, तो नीचे में, क्योंकि जीरो से ये वैल्यू क्या है बड़ा है, क्योंकि इधर क्या सटा हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, मतलब कि बड़ा, तो यहां पे बड़ा है इसलिए इसको यूज करेंगे, मतलब कि जीरो प्लस सॉरी लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहां एक्स की जगह पे रखना है जीरो प्लस एच और फिर प्लस वन। अब यहां पे आप एच के जगह पे जीरो रखिए तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो और प्लस वन वन। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि वी एफ एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या आया, इक्वल आया, यानी कि हियर वी एफ इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, इसलिए ये क्या हुआ कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस आंसर। वैसे ही आपको दोस्तों 24, 25 यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन है, बशर्ते आप इसको ट्राई कीजिए, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। आप यहां पे आगे आने वाले सवाल में आपको ये नहीं दिया रहेगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो वैसे स्थिति में आप देख लीजिए कि किधर बड़ा छोटा है ना, और फिर आप उसको चेक कर लीजिए। तो 23 तक ही आज एंड करते हैं, 24, 25 आप बनाकर आप भेज सकते हैं मेरे को, हम चेक करेंगे कि आप कैसे चेक किए हैं, चेक किया हुआ है बनाया हुआ सही है कि गलत है। अगर गलत रहेगा तो हम गलत बोलेंगे, सही रहेगा तो सही बोलेंगे। थैंक यू।